दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में केमिकल नेम या फिर केमिकल फार्मूला से एक या दो क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो आज के इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण सॉल्ट हैं और कंपाउंड्स हैं, उनके रासायनिक नाम क्या हैं और उनका रासायनिक फार्मूला क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बारी बारी से उनके फार्मूले को हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल कुमार और आप देख रहे हैं लो समझ लो। तो चलिए चलते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, उनके रासायनिक नाम और रासायनिक फार्मूले के बारे में जानते हैं। दोस्तों रासायनिक सूत्र और केमिकल फार्मूलाज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस सीरीज में सबसे पहला हमारा जो है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म को हम, यह एक व्यापारिक नाम है। क्लोरोफार्म जो है यह एक व्यापारिक नाम है और इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नेम होता है, वो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। इसको आपको याद रखना है। केमिकल नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। और जो इसका सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो होता है CHCl3। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, CHCl3। ये जो है इसका केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट हमारा आता है यूरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यूरिया जो है यह एक व्यापारिक नाम है, ठीक है, यह एक इंडस्ट्रियल नाम है और इसका जो केमिकल नेम है वो है कार्बाइड, ठीक है, जो इसका केमिकल नेम है वो कार्बामाइड। और इसके फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला है NH2CONH2, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, NH2CONH2। तो यह है इसका फार्मूला। कभी कभी इसका रासायनिक नेम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है इसका रासायनिक नेम जो है वो कार्बामाइड है और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो NH2CONH2 है। हमारा नेक्स्ट आता है ग्लूकोज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, तो कई बार इसका जो केमिकल नेम है वो पूछ लिया जाता है। केमिकल नेम ग्लूकोज का ग्लूकोज ही है, ठीक है, यह इंडस्ट्रियल नाम नहीं है। इसका व्यापारिक नाम जो है वो अंगूर का रस या फिर कोई भी मीठे पदार्थ जिसमें भी थोड़ा सा मिठास पाया जाता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा थोड़ा ना थोड़ा होती है। तो जो इसका केमिकल नेम है वो ग्लूकोज है। और इसका फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो C6H12O6 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C6H12O6। तो आपको इसके फार्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टार्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका जो व्यापारिक नेम है वो है मंड, इसको हम मंड बोलते हैं व्यापारिक नेम में। और इसका जो केमिकल नेम है वो है स्टार्च, ठीक है। अब इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला है C6H10O5, ठीक है। इसका जो फार्मूला है C6 है, H10 है और ऑक्सीजन के 5 अणु है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा आता है मीथेन। यह एक गैस है, ठीक है। मीथेन क्या है, यह एक गैस है और इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, व्यापारिक नेम में मार्स गैस इसको हम बोलते हैं। और जो इसका केमिकल नेम है वो है मीथेन। और कभी कभी इसका व्यापारिक नाम पूछा जाता है कि मीथेन को क्या कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4, इसको आप याद रखने में। हमारा नेक्स्ट आता है हरा कशिश। देखिए, हरा कशिश, सफ़ेद कशिश और नीला कशिश, ठीक है, ये तीनों फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो हरा कशिश होता है वह व्यापारिक नाम इसका हरा कशिश है और इसको हम फेरस सल्फेट, हरा कशिश ध्यान रहेगा, फेरस सल्फेट होता है इसमें। तो इसमें FeSO4 इंटू 7 अणु जो हैं वो जल के जुड़ जाते हैं, अर्थात फेरस सल्फेट मतलब कि FeSO4 इंटू CONH2 और 7 अणु इसमें जल के ऐड हो जाते हैं। आता है हमारा सफ़ेद कशिश। इसका जो केमिकल नेम है वो जिंक सल्फेट है, बस इसमें फेरस था यहाँ पर सल्फेट के साथ और यहाँ पर
जो सफेद कशिश है इसमें आ गया है हमारा जिंक। जल के अणु साथ ही हैं, ठीक है, इसमें ZnO4 है और 7H2O है, ठीक है, इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, बट इसमें फेरस ऐड हो गया है, इसमें भी FeSO4 है और जल के सात अणु इसमें भी हैं। तो याद रहेगा सफ़ेद कशिश और हरा कशिश सेम है, बट डिफरेंस ये है कि हरा कशिश में आपको फेरस सल्फेट मिलेगा और जो सफ़ेद कशिश है उसमें जिंक सल्फेट मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आता है नीला कशिश। नीला कशिश में भी इसमें जिंक है और जिंक के स्थान पर यहाँ पर कॉपर आ गया है, ठीक है, जिंक के स्थान पर यहाँ पर कॉपर आ गया, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसमें 7 अणु थे और जल के 7 अणु थे और इसमें 5 अणु हैं, इसमें 2 अणु जल के कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर यह एक इंडस्ट्रियल नाम है, हॉर्न सिल्वर यह एक इंडस्ट्रियल नाम है और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सिल्वर क्लोराइड और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है AgCl। और कभी कभी ऐसा होता है सिल्वर का सिर्फ प्रतीक पूछ लिया जाता है, तो जो सिल्वर का प्रतीक होता है वो Ag होता है और क्लोराइड का जो प्रतीक होता है वो होता है Cl, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक आता है तो यह एक जो है लूनर कास्टिक जो है, लूनर कास्टिक जो है यह एक व्यापारिक नेम है, इंडस्ट्रियल नेम है और इसका जो केमिकल नेम है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसका केमिकल नेम है, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है AgNO3। लूनर कास्टिक का जो केमिकल फार्मूला है वो है AgNO3, ठीक है, NO3। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार लूनर कास्टिक का फार्मूला पूछा जा चुका है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो नाइट्रेट का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो NO3 होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रेट का कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चाइनीज व्हाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चाइनीज व्हाइट। देखो चाइनीज व्हाइट जो है यह एक व्यापारिक नाम है, ठीक है, चाइनीज व्हाइट जो है यह एक व्यापारिक नाम है, इंडस्ट्रियल नाम है और इसका जो केमिकल नेम है वो है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। और इसकी फार्मूले की बात करें तो ZnO, ठीक है, तब ZnO जिंक का सिंबल पूछा जाए तो आपसे बताना है जिंक को ZnO होता है और ऑक्साइड का जो सिंबल होता है ओनली O होता है। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऑक्सीजन जो होता है, देखिए उसमें O2 होता है, ठीक, ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं तो वो ऑक्सीजन बन जाता है, लेकिन ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन का एक ही अणु रहता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा जल गैस। जल गैस यह है एक इंडस्ट्रियल नेम है, ठीक है, और इसका केमिकल नेम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, फार्मूला होता है वो होता है CO+H2O, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण क्या कहलाता है हमारा, जल गैस कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस जो है यह है एक व्यापारिक नेम और इसका केमिकल नेम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लस का नाइट्रोजन का मिश्रण है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जल गैस में क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसमें हाइड्रोजन का मिश्रण था और प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड है बट इसमें नाइट्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूरेटिक अम्ल। देखिए जितने भी फार्मूले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड हैं जो कि एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे फार्मूले हैं और कभी कभी ऐसे होते हैं व्यापारिक नाम पूछा जाता है या फिर रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है या फिर सूत्र पूछ लिया जाता है, इसलिए इस वीडियो में हम तीनों पर चर्चा करेंगे, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए तो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए चलते हैं और लाफिंग गैस से पहले, उससे पहले हम जानते हैं म्यूरेटिक अम्ल। देखिए ये म्यूरेटिक अम्ल जो है या एक इंडस्ट्रियल नाम है, क्या है, इंडस्ट्रियल नाम, व्यापारिक नेम है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका
रासायनिक नेम है और इसका जो फार्मूला है वो है HCl, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग गैस एक व्यापारिक नाम है और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यह पूछा जाता है कि लाफिंग गैस हम किसको बोलते हैं, तो आपका उत्तर होगा हम नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस बोलते हैं, अर्थात N2O को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखो संगमरमर है। संगमरमर इट इज़ ए इंडस्ट्रियल नेम एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसके फार्मूला की बात करें तो CaCO3, इसका जो फार्मूला होता है CaCO3, इसका फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि संगमरमर का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा लाल दवा। नेक्स्ट हमारा आता है लाल दवा। कई बार पूछा गया है कि लाल दवा हम किसे कहते हैं या फिर इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो देखो जो लाल दवा का रासायनिक नाम होता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा जो है यह एक इंडस्ट्रियल नाम है, व्यापारिक नाम है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है KMnO4। ठीक है, KMnO4, इसको आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। हमारा नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रहे जो धावन सोडा है इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है और बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जो देखो जो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका फार्मूला जो है वो है NaHCO3। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, NaHCO3, ये इसका फार्मूला है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट देखो धावन सोडा है। धावन सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम कार्बोनेट है और इसका जो फार्मूला है वो है Na2CO3×10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है साधारण नमक, और इस वीडियो में लास्ट कंपाउंड है ये, सॉरी ये साल्ट है। साधारण नमक जो है यह एक प्रकार का लवण है। ठीक है, और इसका जो और लवण है साल्ट है। ठीक है, हिंदी में लवण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम साल्ट बोलते हैं। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, और इसके सूत्र की बात करें तो NaCl इसका सूत्र होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एकदम सिंपल है, NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि काफ़ी ही नॉलेजबल वीडियो हम इस चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।